उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों पर है। जहां एक तरफ देश का विपक्ष खुद को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं मायावती भी अब धीरे धीरे अपना दल बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। जहां 2022 के चुनावों में मायावती भाजपा के साथ थी, तो वही अपने एक ट्वीट से मायावती ने दुनिया भर को एक संदेश दे दिया है कि 2024 को लेकर वो अखिलेश यादव के साथ जा सकती हैं। जी हां, सोमवार को सत्र से एक ही दिन पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च यात्रा निकाली थी। मार्च को लखनऊ पुलिस ने रोक दिया था, जिसके बाद भाजपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर भाजपा को ही निशाने पर लिया है। मायावती ने सपा के पैदल मार्च के समर्थन में और उसे रोकने पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया कि विपक्षी पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों व उनके निरंकुशता और जुल्म ज्याति आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना बीजेपी सरकार की नई तानाशाही हो गई है। साथ ही बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी और विरोध को कुचलने की बनी सरकारी धारणा अति घातक है। 2019 के बाद ऐसा पहली बार देखा गया है कि मायावती ने बीजेपी के नहीं बल्कि अखिलेश यादव के पक्ष में कुछ बोला है। 2022 के चुनावों के दौरान भी मायावती ने अखिलेश यादव को अच्छी तरह घेरा था और बीजेपी का साथ दिया था। वहीं दूसरी तरफ जब देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तो तब भी मायावती ने अपना समर्थन भाजपा को दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि 2024 के चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा ऐलान विपक्षी पार्टियों के द्वारा बिल्कुल हो सकता है। मायावती के ट्वीट पर एक टीवी चैनल पर भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयान के द्वारा उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में हर पार्टी के नेता को अपने विचार रखना स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है, इसलिए अगर मायावती जी ने कुछ बोला है तो भाजपा को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, ये लोग केवल ट्वीट के शेर हैं, ट्वीट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मायावती के ट्वीट से सपा और भाजपा गठबंधन पर सवाल उठते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर नहीं पढ़ना चाहता हूं। समाजवादी लोग जनता की आवाज उठाते हैं, उनकी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी की आवाज में कोई यानी मायावती अपनी आवाज उठा रही हैं। हम शुरू से जनता की आवाज उठाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाजपा का 2022 का चुनावी प्रदर्शन सभी चुनावी प्रदर्शनों में से सबसे खराब रहा था। इसका एक कारण ये माना जाता है कि लोगों का ऐसा कहना है कि मायावती ने अपना वोट बैंक भाजपा के हिस्से में कर दिया था। उत्तर प्रदेश के दलितों ने अपना वोट भाजपा या सपा को करने के बजाय भाजपा को किया था। इसी वजह से 2022 के चुनावों में मायावती का पलड़ा सबसे कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उनका समर्थन भाजपा के साथ था। लेकिन अब जब 2024 के चुनाव आने वाले हैं और देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी है, तो वही उत्तर प्रदेश की मायावती का पक्ष अब तक चुना नहीं गया है। जनता को पता नहीं चल रहा है कि वह भाजपा के साथ जाएंगी या फिर देश की विपक्षी पार्टियों के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।